ये सब अनसीन हीरो हैं। दोस्तों ये कहानी है रेलवे में एक ऐसे योद्धा की जिसको गैंग मैन के नाम से जाना जाता है। मेरे पीछे जो आप देख रहे होंगे ये गैंग मैन का एक गैंग है। कुछ लोग इधर इस साइड काम कर रहे हैं, कुछ लोग इस साइड काम कर रहे हैं। आज मैं इनकी लाइफ के ऊपर, इनका जो जॉब प्रोफाइल होता है, इनका क्या काम होता है, कितना हार्ड काम होता है, वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। रेलवे के ट्रैक की जो जिम्मेवारी होती है उस पर अगर कुछ काम होता है तो उसको रिपेयर करने का काम, उसको रिप्लेस करने का काम पूरे गैंग मैन का होता है। एक गैंग में 10 से 15 सदस्य होते हैं, उनको सुबह में PWI द्वारा उनका काम निर्धारित कर दिया जाता है, आज आपको ये काम करना है, और उसी काम को उस दिन का टारगेट दिया जाता है, उस काम को पूरा करते हैं। अब इनके काम के बारे में बता दूं, पीछे पटरी में एक नट टूट गया है तो देख रेख से पता चला ये नट टूट गया है, तो अभी उसी के रिप्लेस का काम हो रहा है। इनका काम इतना डिफ़िकल्ट होता है कि इसमें जान जाने का भी खतरा होता है, और इसका इसमें जो काम रहता है ये ताकत का काम होता है। इसमें आपको कम से कम 10 से 12 किलो का औजार आपके कंधे पे लेके जाना पड़ता है, और पटरी पे जो भी काम सौंपा जाता है उसको पूरा किया जाता है। ये काम एक लोगों का नहीं है, पूरी गैंग इसमें शामिल होती है। तो मैं आपको आज का दिन कुछ टाइम इनके साथ एक्सपेंड करके दिखाने की कोशिश करूँगा कि कितना डिफ़िकल्ट है इनका लाइफ और इनका काम। उधर चलने पर ट्री को ले जाने का तरीका देखिए कैसे लेके जाते हैं। इसको उठाया है अभी एक जगह दूसरे जगह जाने के लिए, गैंगमैन के सहारे ही इसको आगे आगे लीडर चलता है, और पीछे पीछे देखिए इस तरह से इसको लेके जाया जाता है। अब इनके एक जॉब की बताता हूँ, इनको कैसे पता चलता है आज इनको कहाँ पे काम करना है, उस बारे में इन्हीं की जवानी जानते हैं। हम लोग आते हैं पहले अपने टूल बॉक्स पे, जितना कर्मचारी होते हैं इकट्ठा होते हैं, उसका सूचना देते हैं PWI को, सर इतना कर्मचारी है वर्क, तो PWI अपना वर्क बांटते हैं कि यहाँ जाइए यहाँ जाइए यहाँ जाइए, इतना इतना किलोमीटर में ये है, ये गोलाई है। उसके बाद हम की मैन की द्वारा, तो की मैन जो रहता है पेट्रोलिंग करते हैं सुबह में, उनके द्वारा भी काम को प्रोग्रेस लेते हैं कि कहाँ भाई ट्रैक मेरा अगर दिक्कत है। ये जो लाइनर है, मेटल लाइनर है, इसका जो है ये जो इंसेल्ट है, ये PSC इंसेल्ट है, ये रेल है, इसका जो है इस तरह इस भाग का जो है इसको बैठना चाहिए तो गैज मेरा सही रहेगा। अच्छा, अगर ये इस तरह का रहता है चढ़ा हुआ रेल से पर, ये गैज मेरा खराब है, तो यानी कि ट्रैक खराब है, इसका जो ट्रेन का चक्का जो है भागता है। अच्छा, इसी के लिए चक्का और ट्रैक को समतल रखने के लिए इसको गैस ठीक किया जाता है कि आराम से जाए और कोई दुर्घटना ना हो। एक बार यार लगाओ ना, एक बार मारी लगा, एक बार पैर लग जाए।
देखिए किस तरह दो लोग इसको उठाए हुए हैं और उस सबको फिट किया जा रहा है। दो लोग इसको उठाए हुए हैं और दो लोग इसके अंदर उसको फिट अच्छे से बिठा रहे हैं। इतना मुश्किल काम है अंकल ये तो हार्ड वर्क का काम है सर। आप लोग दिन भर ये जो अभी इतना काम करते हैं, आपको कितना मेहनत इसमें लगता है? हाँ, मेहनत तो बहुत लगता है। और हर दिन आपको ये काम करना? हाँ, ये डेली का काम, हमारा ड्यूटी 8 घंटा। 8 घंटा में ये सबसे, अगर मैं बात करूँ गैंगमैन के काम की, तो इनका काम, इनके काम में बहुत ताकत की जरूरत पड़ती है। आप अभी मैं जस्ट दिमाग दोनों का जरूरत है, ताकत और दिमाग दोनों का जरूरत है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है ट्रेन आने और जाने की, और उसके साथ साथ पटरी का मरम्मत करना है, और इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। मैं आधे घंटे से यहाँ 40 मिनट से हूँ और इनके काम को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको बता सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ कितना मेहनत भरा इनका काम होता है। और इनके काम को कोई नहीं जानता है, क्योंकि आप ट्रेन में सफ़र करते होंगे, आपको क्या पता होगा ट्रैक मेंटेन कैसे होती है, पटरी कैसे मेंटेन किया जाता है। तो ये सब अनसीन हीरो हैं। अगर मैं बात करूँ, ये सब जो हैं रेल के एक मुस्तैद सिपाही हैं, जो अपने काम को मुस्तैदी से करते हैं, ताकि रेल यात्री, रेल का सुचारू रूप से परिचालन हो सके, किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटनाग्रस्त ना हो। इन सारे लोगों को हमारी तरफ से, आप सब की तरफ से मैं लाइक करता हूं और सैल्यूट करता हूं। ऐसे लोगों की वजह से भारतीय रेल सही से चल रही है। देखो, सबके मन में ये सवाल रहता है कि जब ग्रुप डी से गैंगमैन की जॉब होती है तो उनकी सैलरी कितनी होती है। तो इन्हीं से जानते हैं, जब कोई स्टार्ट करता है ग्रुप डी में गैंगमैन का जॉब, तो उनकी सैलरी स्टार्टिंग में कितनी मिल जाती है। जब न्यू ज्वाइनिंग करते हैं तो उसका मूल वेतन रहता है 18,000 रुपया, और एच आर ट्रांसपोर्ट ये सब मिला के मिनिमम मैंने लगभग 22-23 हज़ार रुपया मिलता है। 22-23 हज़ार कोई स्टार्टिंग ज्वाइन करता है तो उसको 22-23 हज़ार रुपये। क्या काम अभी करने वाले हैं आप लोग? लाइन को सीधा करना है। अभी ये कर्व जो है थोड़ा टेढ़ा हो गया। इसका जो है अभी गैज जो है, गोलाई कर्व है, गैज इसका बराबर लगभग भागा हुआ रहता है। कंटिन्यू 3 व्यक्ति जो है कर्व में, गोलाई में लगाया हुआ रहता है, क्योंकि गज पे जो ज्यादा गज भागे ना, इससे गाड़ी गिरने की संभावना होती है। अच्छा। इसलिए गैज इसको ठीक करवाया जा रहा है। इसमें फिटिंग लाया जाता है, रबर पैड हो, लाइनर हो, इसको गज मैंने 30-35 रहता है, उसको लेके 15-20 पे रखा जाता है। मटेरियल बढ़िया नहीं देता है, 60 का लकड़ी है, 52 का रबर गद्दा है। तो इसको ठीक करने में कितना टाइम आप लोगों को लगता है? इसको ठीक करने में 8 घंटा काम करते रहते हैं। जहाँ जहाँ गैस खराब रहता है वहाँ गोलाई को जो है गैस ठीक किया जाता है, सुरक्षित से गाड़ी हमारे पास हो जाए। जितना यात्री है हमारे रेल प्रशासन का, जो ट्रेन है सुरक्षित चले और यात्री भी सुरक्षित पहुंचे, इसलिए ये कर्व है बहुत टफ है कर्व। तो आपका काम में कितना डिफिकल्टी है, मतलब कितना मेहनत इसमें लगता है, ये मैं जानना चाहूँगा आपकी जुबानी। ये जो हम लोग का इंजीनियरिंग विभाग का जो काम है गैंगमैन का, ये बहुत सा डिफिकल्ट है, बहुत टफ है, ये बहुत डिफिकल्ट है। इसमें साथ साथ बहुत मेहनत लगता है, ताकत लगता है, और वर्षा हो या पानी हो या ठंड हो, कुछ भी तरह इसको हम लोग जी जान से लगा के काम करते रहते हैं। लेकिन बहुत डिफिकल्ट है इंजीनियरिंग विभाग को ट्रैक चलाना, और हम लोग तन मन धन से मेहनत करते हैं, लेकिन हर एक विभाग से बहुत कठिनाई का वर्क है।
हाँ ये तो हमको पता है। देखिए अभी हम इनसे बात कर रहे थे तो मैं आपको एक चीज़ जस्ट टेक्निकल चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ये जो कर्व होता है ना, जब पटरी घूमती है जहाँ पे, इनका कहना है वहाँ से ये खिसक जाता है, मतलब सरक जाता है। उस समय इनको क्या करना पड़ता है, इसमें जितने भी पेंडुल लगे हुए हैं, पेंडुल मतलब वो जो रिंग रहता है, उसको निकाला जाएगा एक एक करके और इस सब को पटरी को फिर खिसकाया जाएगा, फिर उसका लेंथ का माप किया जाएगा, उसके बाद फिर इसको फिट किया जाएगा। अन्यथा क्या हो सकती है, रेल दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। इसका मतलब है उसमें जो हजारों यात्री सफ़र करते हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी इन लोगों के जिम्मे रहता है। ये लोग जो ट्रैक पे काम करते हैं, ये जो मेंटेनेंस का काम करते हैं, ये अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो रेल दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, कई लोगों की जाने जा सकती है। देखिए जो है ना, यहाँ पे ग्रीस लगाया जा रहा है ताकि रेल का जो चक्का रहता है ना वो पटरी को काट देता है, कर्व है, इतना कर्व है कि उस पर पटरी पर ज़्यादा इफेक्ट होता है, उसी को डैमेज को कंट्रोल करने के लिए देखिए इनके द्वारा ये लगाया जा रहा है ग्रीस। लकड़िया साठ का बावन का रबर गद्दा देता है, छोट होता है, गाड़ी जाता है, सब रबर गद्दा निकल जाता है। बावन का रेल भी है, बावन का रेल भी है, साठ का लकड़ी। बावन आप क्या बोले, लेंथ बोल रहे हैं? हाँ, ये ट्रक ट्रक। अच्छा, ये हो गया लेंथ जो हो गया, लकड़ी है साठ का। अच्छा, ट्रैक। ओके, ट्रैक किसको कही? तो ये आपको अक्सर हमेशा करना पड़ता है इस पे काम। साठ में लग रहे आया है ना, साठ में अगर लगा ये लेंथ लग जाएगा, समझे ना, तो इतना डिफरेंट नहीं होगा। अच्छा, समझे, क्या है उसमें कब हो जाएगा उसमें। जैसे आज आप इसको ठीक कर देंगे तो कल फिर इसको करना। ये देखिए मुझे एक अजीब सा लग रहा है, मैं मतलब इसके बारे में क्या कहूँ। मुझे जो समझ में आ रहा है, जो एक ही काम को इनको हर दिन करना पड़ता है, इसके लिए इनका कहना है जो इसको अगर एक बार रिप्लेस कर दिया जाए, जो इनमें पर्टिकुलर फिट बैठता है, तो इनको रोज रोज यही काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेल प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कुछ कर दिया जाए ताकि इनको रोज रोज एक ही काम ना करना पड़े। और दूसरा चीज़ बताइए, एक जब आप लोग तो काम में बिजी रहते हैं, अभी मैं देख रहा हूँ पाँच लोग आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं और पाँच लोग उधर, आठ लोग उधर काम कर रहे हैं, तो आप लोग काम में जब व्यस्त रहते हैं तो ट्रेन आने की भी संभावना रहती है, उसको कैसे हैंडल करते हैं आप? वैसे यहाँ से कुछ धड़कन भी आ जाता है और अपना नजर और कान जो है दोनों रहते हैं, चारों तरफ नजर घुराना पड़ता है, इधर काम भी करना पड़ता है, जिधर से गाड़ी आता है उधर भी देखना भी पड़ता है, दोनों काम करते हैं। वही अंडर में सब काम हमको करना, इसमें जान जाने का भी खतरा रहता है। गाड़ी देखते हुए इस पर काम करते हैं। भारतीय रेल जो अपने यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी देता है ना, तो वो इन लोगों के बदौलत भी देता है, क्योंकि इनका काम जो है ट्रैक को ठीक ठाक से रखना है ताकि सुचारू रूप से ट्रेन उस पर चल सके और किसी भी दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा जा सके। क्योंकि हर दिन, अभी कोरोना के बाद गाड़ी की संख्या कम हो गई है, लेकिन पहले हजारों ट्रेन रोज चलती थी, लॉकडाउन जब था तब भी ये लोग ट्रैक पे काम कर रहे थे, इनको छुट्टी नहीं दी गई थी, सब कुछ बंद हो गया था लेकिन ये लोग लगातार काम कर रहे थे। लॉकडाउन जब हम लोग का चालू था उसके बाद भी हम लोग कंटिन्यू वर्क पे थे और ये काम करते रहे, अपना सेफ्टी से अपना मास्क वोक्स लगा के, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर लगा के, हर एक आधा घंटा एक घंटा काम करते थे, उसके बाद फिर हाथ धोते थे और साबुन देते थे ऑफिस, सैनिटाइजर देते थे। देखिए अभी कैसे एक ट्रेन जस्ट आने वाली थी, लोग ध्यान से देखिए और ट्रैक पता किए जो ट्रेन किधर जा रही है, तो अब देखो वहाँ से एक ट्रेन गुजर रही है, तो इस तरह से इनको ध्यान देना पड़ता है। बात को कंटिन्यू करते हैं, काम पर भी ध्यान धरते हैं, गाड़ी भी देखेंगे नहीं देखेंगे तुरंत कट जाएंगे, काम करते रह गए। हालांकि लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से हम लोग भी जहाँ तक प्रयास हुआ काम करते रहते थे, हर एक आधा एक घंटा काम करते थे, उसके बाद अपना साफ सफाई, हाथ वो धोते थे, साफ सैनिटाइजर लगाते थे, इस तरह की भी आठ घंटा वर्क हम लोग करते थे कंटिन्यू। लॉकडाउन में भी इस ट्रैक को, गोलाई कर्व को हम लोग जी जान से देखते हैं, क्योंकि गोलाई कर्व है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि गाड़ी जो गिर सकती है, इसलिए हम लोग पूरा लॉकडाउन में भी, जब से लॉकडाउन मार्च से स्टार्ट हुआ तब तक हम इस कर्व गोलाई को देखते आ रहे हैं आज तक। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पे आ ही गए हो तो कर लो सब्सक्राइब, आपको इस तरह के कंटेंट देखने को मिलेंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताना इस वीडियो में अगर आपकी कोई राय हो और कैसा लगा, जो भी फीडबैक रहेगा मैं उम्मीद करूँगा उस पर काम करने का। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, और एक बार हम सब की तरफ से इनको सैल्यूट।